हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राउंडेड। ये मैंने एक बुक स्टैंड ऑर्डर किया था। इससे पहले मैंने ईएलवी का बुक स्टैंड, ये ईएलवी का बुक स्टैंड है। इससे पहले मैंने इजी रीड का भी बुक स्टैंड ऑर्डर किया था। हाउएवर वो किसी वजह से डिलीवर नहीं हुआ। उसका प्राइस जब मैंने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था ना अमेज़ॉन का, तब मैंने ऑर्डर किया था, तो पता नहीं 394 समथिंग का दिखा रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब कलर के अकॉर्डिंग मैंने ये सब देख के उस टाइम ऑर्डर किया था। देखा मैंने ये वाला भी था ईएलवी का, जो बुक स्टैंड मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो ये भी मैंने देखा था। तो उस टाइम मैंने इजी रीड वाला ऑर्डर कर लिया था, बट वो डिलीवर नहीं हुआ, तो मेरे को रिटर्न मिल गया था। इसमें तो खैर इस बॉक्स में जो पिम्पल पैच निकला है वो अलग था। मेनली अनबॉक्सिंग इसकी करनी थी मुझे, ये जो ईएलवी का बुक स्टैंड था। तो मैंने इजी रीड का बुक स्टैंड नहीं आया, तो मैंने कैंसिल करके रिफंड ले लिया था। और मैंने ईएलवी का फिर क्यों, अच्छा मैंने ईएलवी का बुक स्टैंड क्यों ऑर्डर किया बाद में, क्योंकि मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग देखा तो ये आई गेस ये मुझे 298 समथिंग का पड़ा था, जितना मुझे अच्छे से याद है तो 298 समथिंग का पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्राइस में और ना इजी रीड का बुक स्टैंड ना, अब मैं देख रही थी तो 499 समथिंग का जा रहा था कलर के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगा कि उतना महंगा लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक ही काम है दोनों का, कौन सा दूसरा ग्लास का है या कुछ, दोनों ही प्लास्टिक के ही मटेरियल के थे। तो मैंने यही वाला मंगवा लिया, ईएलवी का बुक रीडिंग स्टैंड। तो पैकेजिंग इसकी अच्छी कर रखी थी, मोस्टली ब्लैक कलर में ही था, तो यही मंगवा लिया था। तो स्टैंड के लिए आपको पीछे सपोर्ट दे रखी है, आगे दो बुक सपोर्ट करने के लिए दो होल्डर टाइप बने हुए हैं, ठीक है। दो तीन एंगल्स पे ये आप इसको स्टैंड कर सकते हो, अपने टेबल पे या कहीं भी। और हाँ, इस तरीके से ना ये पहले मुझे लगा स्लाइड होके आएगा, बट ये साइड से निकलना था, तो इसमें आप अपनी बुक होल्ड कर सकते हो। और बाकी मटेरियल इसका मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, ठीक है। ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की ना बुक रखी थी, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आपको पता है कितनी मोटी होगी जो पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से इसने संभाल लिया उसका वेट। और थोड़ा टिल्ट करके रखी है अपनी, पढ़ने के लिए भी सही रहता है। और बिल्कुल पढ़े, जब हम डेस्क पे रख के पढ़ते हैं ना बुक्स को, तो गर्दन दर्द हो जाती है। अब ये चीज़ देखिएगा, जब मैंने इसमें पेज पलटा ना इस तरीके से, तो पेज नहीं पलटा जाएगा इसका, क्योंकि ये बुक का जो साइज़ है ना एकदम फिट बैठ रहा था इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, लिख के तो हाउएवर मैंने देखा नहीं है, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज आप इस तरीके से पलट सकते हैं, ये अच्छे से होल्ड कर लेगा। और इस तरीके से पूरा एकदम स्ट्रेट भी इसको आप देख सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से स्ट्रेट। और बाकी दो तीन एंगल्स पर तो सपोर्ट देता ही है, आप जितना थोड़ा सा पीछे करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब कोई पतली सी बुक मैंने करंट अफेयर्स की उठाई थी, हाँ, तो इसको लगा के देख लीजिए, बुक्स अच्छे से होल्ड कर रहा है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ मैं अभी बताऊँगी, इसके बाद एक मैं थिक सी बुक रखूँगी उसमें आप देखना, तो ये अच्छे से होल्ड कर सकता है बुक्स को। और मेरे हिसाब से आप इसको श्योरली परचेज कर सकते हैं। बाकी आगे, अभी मैंने आज लिया है तो अनबॉक्सिंग की है, तो वही मेरा रिव्यू है। बाकी अगर आगे मुझे कुछ लगता है कि हाँ ये वो, हाउएवर इस प्राइसिंग में ठीक है, तो ये मैंने ना मॉडर्न हिस्ट्री की जो मोटी सी बुक है ये मैंने रखी थी इसमें। हाँ सर, ये जो पहले वाली थी वो मिडीवियल हिस्ट्री की, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बुक रखी थी, अच्छी खासी मोटी थी, ठीक है। तो ये अब मैंने इसमें चीज़ देखी, जब आगे को रखो ना एकदम थोड़ा सा आगे को झुक जा रहा है, ये टिल्ट कर रही है। तो आप जब कोई बहुत थिक बुक रखो तो इसको थोड़ा पीछे की साइड ही टिल्ट रखे रहिएगा, पेजेस आराम से पलट रहे थे मोटी बुक के, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस बन जाता है ना फिर, ठीक है। हाउएवर मेरा एक्सपीरियंस गुड था, तो बाकी आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है, मैं दिखाती हूँ, हाँ इसमें आप हैंग कर सकते हैं। ऑल ओवर इट वॉज अ गुड डील, थैंक यू।